अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति सुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे। यह ईशावास्य उपनिषद का 10वां मंत्र है। इस मंत्र में कहा विद्या से अन्य ही कुछ और अविद्या से अन्य ही कुछ फल होता है। धीर लोगों ने विद्या और अविद्या की जो व्याख्या की है उससे ऐसा ही सुनते आए हैं, इसका भावार्थ है। तो अन्यत एव आहुः विद्यया, आहुः माने कहते हैं, अन्यत अन्य ही इसका फल कहते हैं। इसका फल विद्या का फल, और विद्या क्या है हमने कल पढ़ा था, जो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान है ये विद्या। और अविद्या क्या है, जो भौतिकवाद में लगे रहे जड़ पदार्थों को चेतन समझते हैं, जो अविद्या है। अर्थात भौतिक विषयों में लगे रहते हैं, भौतिक सुख को प्राप्त करने में लगे रहते हैं, तो अविद्या। तो अविद्या का अलग फल मिलता है, विद्या का अलग फल मिलता है, ऐसे विद्वान गण बतलाते हैं। इति सुश्रुम, ऐसा हम सुनते हैं किनसे, जो धीर गंभीर ज्ञानी संत विद्वान है, बुद्धिमान है, ऐसे उन्होंने विचचक्षिरे, उन्होंने ऐसे व्याख्यान किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विद्या के अलग फल, अविद्या के अलग फल। तो प्राचीन काल में जो विद्वान थे उन्होंने बता दिया कि जड़ पदार्थ हैं इनसे भी लाभ होता है, ऐसा नहीं है। भौतिक विषय हैं जिनको अविद्या कहा गया है, इनसे भी लाभ होता है। जैसे कि रजाई है, कंबल है, अब ठंड में ओढ़ेंगे तो इनसे लाभ होगा, गर्मी में पंखा चलाएंगे, कूलर चलाते हैं लोग, एसी का प्रयोग करते हैं, ठंडी मिलती है इससे, भूख लगती है भोजन करते हैं। तो इस प्रकार से जो भौतिक पदार्थ हैं इनसे लाभ तो होता है, इनसे अलग लाभ होता है। और चेतन पदार्थ परमपिता परमात्मा है, इनसे अलग लाभ होता है, ईश्वर से ज्ञान मिलता है, आनंद मिलता है उपासना ध्यान करने से, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा होता है, ये लाभ है। ये आध्यात्मिक विद्या है योग ध्यान करना, तो ईश्वर की उपासना करेंगे ध्यान करेंगे ये विद्या है। अपने आप को समझेंगे, आत्मस्वरूप को जानेंगे, ये विद्या है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, ये तत्व ज्ञान है, ये विद्या है। इसको उल्टा मान लेना कि मैं शरीर हूँ यह अविद्या है। तो फिर जब ऐसा मानता है तो व्यक्ति शरीर को ही सजाने संवारने में लगा रहता है, फिर इसमें वो लाभ नहीं हो सकता जो विद्या से लाभ होता है। उसके अलग लाभ है, शरीर को स्वच्छ साफ सुथरा करेगा, सुंदर करेगा, सुगंधित करेगा, ये उसका लाभ है। लेकिन विद्या और अविद्या दोनों में क्या है, जो विद्या है वो जन्म और मरण के बंधन से छुड़ाने वाला ज्ञान है, तत्व ज्ञान ही ये विवेक है। और जो अविद्या है वो तो मिथ्या ज्ञान है, अविवेक अविद्या मिथ्या ज्ञान एक ही बात है सब। इससे व्यक्ति बंधन में आता है, संसार का सुख तो मिलेगा, मना नहीं है, भौतिक पदार्थों में रच पच जाएंगे, इनमें आसक्त रहेंगे, सुख तो मिलेगा, इनका प्रयोग करेंगे, लेकिन इनमें ही पड़े रहेंगे तो जन्म और मरण के बंधन से छूट नहीं पाएंगे। इसलिए ईश्वर की उपासना अनिवार्य है, आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान अनिवार्य है, स्वाध्याय सत्संग साधना अनिवार्य है, ये आध्यात्मवाद है, ये विद्या है कि इनके माध्यम से हम अपने को जानें, परमात्मा को जानें और प्रकृति के स्वरूप को भी समझें, तब हम जन्म और मरण के बंधन से छूट पाएंगे। तो इस प्रकार से भौतिक ज्ञान विज्ञान के अलग लाभ हैं, आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के अलग लाभ हैं, प्राकृतिक पदार्थों के अलग अलग लाभ हैं, और परमात्मा और जीवात्मा इनको जानेंगे इनके अलग लाभ हैं। तो दोनों को जानें, मना नहीं है, प्रकृति को भी जानें, संसार को भी जानें और परमात्मा को भी जानें और स्वयं को भी जानें। तो इन तीनों को जानेंगे तभी हमारा तत्वज्ञान परिपक्व होगा, पूर्ण होगा, नहीं तो अधूरा ज्ञान हो जाएगा। आज के जो भौतिक विज्ञानी हैं वो केवल इसी में लगे हुए हैं, भौतिक ज्ञान विज्ञान के प्राप्त करने में, ये अविद्याग्रस्त हैं लोग, तो उनको आत्मा परमात्मा ज्ञान नहीं हो रहा है, तो संसार को सभी दुखों से ये छुटकारा नहीं दे पाएंगे।
तो इसलिए भौतिक ज्ञान विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए जीवन चलाने के लिए, वो भी ठीक है, लेकिन बिना आत्मा परमात्मा को जाने हम समस्त दुख से छूट नहीं सकते हैं। तो जो सभी दुख खुद छूटना हो तो परमात्मा को जाने, आत्मा को जाने, और इन सांसारिक पदार्थों का प्रयोग करें साधन मान करके, इनको साध्य न बनाएं। तो दोनों के अलग अलग फल हैं, भौतिक पदार्थों के और आध्यात्मिक पदार्थों के, जड़ पदार्थों के और चेतन पदार्थों के, दोनों के लाभ अलग अलग हैं। दोनों को समझें, दोनों से लाभ उठाएं और जीवन को सफल बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, सुखमय बनाएं। ओम शांति, ओम शांति।